नॉमिनेशन दर्ज किए हैं, वैशाली से नॉमिनेशन दर्ज किया, खुशी की बात है, हर्ष उल्लास की बात है, हर्ष उल्लास की बात है। वैशाली में कोई लड़ाई नहीं है, सारा आरी डेरेट टूट चुका है। हम लोग आम आवाम के बीच गलबैया करने की स्थिति में हैं। आप लोग झूठ फूट के लड़ाई चुनौती की बात करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि वैशाली में 4 लाख पार और बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे यार, तो पूरा देश सुन रहा है। अबरी बार यहाँ जो है बिहार के 40 में जो है आपको 4 तारीख को दिखाएगा। आगे बताइए आप। वैशाली में जो रघुवंश बाबू के बचे हुए कार्य है उनको पूरा करने का काम करेंगे, वैशाली को विकास के चरम सीमा शिखर पर ले जाने का काम करेंगे। आम आवाम गरीब गुड़वा का जो वंचित काम है, जो बचा हुआ कार्य है उसको करने का। एयरपोर्ट की इच्छा रख रहे हैं लोग। एयरपोर्ट भी है हमारे यहाँ बहुत इच्छा है। हमारे यहाँ वैशाली जो है, काम कीजिएगा। वैशाली जो है हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, मैं उसको चरम सीमा पर ले जाने का काम करूँगा, शिखर पर पहुँचाने का काम करूँगा, उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित? पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर जीत जाते हैं तो? पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो गरीब बुढ़वा का जो इंदिरा आवास बंद है, मनरेगा का मजदूर का जो रोजगार बंद है पहले, और वृद्धा पेंशन जो राष्ट्रीय हमारे देश के मापदंड पर आना चाहिए, पहले हमारा ये प्राथमिकता। रोजगार के मुद्दे को संसद में उठाएं। रोजगार है हमारे यहाँ, महंगाई है हमारे यहाँ, पलायन है हमारे यहाँ, विकास है हमारे यहाँ, जनहित के जो मुद्दे हैं वो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे यहाँ, तो इन सब बातों पर ध्यान रहेगा और वैशाली विकास करेगा। वैशाली को कोई रोक नहीं सकता है। हमारे यहाँ विडम्बना रही 10 वर्षों से, जो हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करते आए वो वैशाली के बदले अपना विकास करने का काम।